नमस्कार, जय माता दी। लेमन हिंदी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। यह चैत्र नवरात्रि है और इसके अलावा साल में दूसरी शारदीय नवरात्रि आती है। परंतु दर्शकों, इस बार चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कुछ खास महासंयोग बन रहे हैं जिनका सीधा सीधा असर हमारे आपके जीवन पर पड़ने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का अत्यंत विशेष महत्व होता है। किसी ग्रह विशेष के दशा या राशि बदलने पर उसका असर लगभग सभी राशियों पर पड़ता है। कभी कोई ग्रह किसी राशि के लिए खुशियां लेकर आता है तो वहीं किसी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस बार ठीक 21 वर्षों पश्चात नवरात्रि पर ऐसा महासंयोग बन रहा है जिसके कारण पांच राशि वालों को अत्यंत ही अधिक फायदा होने वाला है, उनकी किस्मत चमकने वाली है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो पांच राशियां। दोस्तों, यदि आप हमें कोई संदेश देना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पास रोजाना हजारों की संख्या में मैसेज आते हैं, इस कारण हम हर एक मैसेज का जवाब तो नहीं दे पाते, परंतु हर मैसेज को ध्यान से पढ़ते जरूर हैं। तो अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें और हमें आपके सुझाव, आपके संदेश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवश्य भेजें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए तो हमें अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप यह वीडियो यूसी न्यूज पर देख रहे हैं तो इस फॉलो बटन को अभी दबाएं। दर्शकों, पहली राशि है कन्या राशि। इस राशि के लोगों को ग्रह परिवर्तन से सबसे अधिक लाभ होने वाला है। इस परिवर्तन से आपके सभी कार्य सरलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको उसमें पूर्ण सफलता भी मिलेगी। साथ ही साथ आपके कहीं धार्मिक यात्रा के भी संयोग बन रहे हैं और इसके अलावा आपका मन आध्यात्म की ओर कुछ अधिक ही झुका रहेगा। परंतु आपको धन से संबंधित लेन देन के कार्यों में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि थोड़ी सी अधिक मेहनत करने पर उन्हें काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। वहीं दूसरी राशि जिसको सबसे अधिक लाभ होने वाला है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को इस परिवर्तन से काफ़ी अधिक लाभ होने वाला है। आपके अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ आपके व्यापार धंधे में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा नौकरी में भी पदोन्नति के योग बन रहे हैं। परंतु आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी अवसर आपको मिले उसको गवाएं नहीं, मेहनत अधिक करें, आपको फल भी अधिक ही मिलेगा। परंतु साथ ही आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखें, बाहर का खाना पीना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं तीसरी राशि है जिसे इस परिवर्तन से सबसे अधिक लाभ होने वाला है वो है मेष राशि। मेष राशि के लोगों के लिए यह आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। माता रानी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में आपको सफलता मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। इसके अलावा विवाह के इच्छुक लोगों की विवाह के योग बन सकते हैं, साथ ही साथ आपके परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा। इसके अलावा आपके व्यापार धंधे व नौकरी में आपके आय में वृद्धि होगी, साथ ही नए आय के स्रोत बनेंगे। परंतु आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जरूरतमंदों की सेवा करने से आपको और भी अधिक लाभ मिलेगा। अगली राशि जिसे सबसे अधिक लाभ होने वाला है इस ग्रह परिवर्तन से वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के सच में अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि इन्हें हर कार्य में अपने मित्रों तथा परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ इनका भाग्य भी प्रबल होता जाएगा। आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और धन लाभ के भी प्रबल योग बनेंगे। परंतु इस दौरान आपको कार्य से संबंधित यात्रा करनी पड़ सकती है और उस बारे में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों को भी काफी अधिक फायदा होने वाला है। उनको व्यापार धंधे में लाभ होगा व उनकी नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ आपको आपके मित्रों से विशेष लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। इसके अलावा आपके अटके हुए कार्य, पुराने बिगड़े कार्य बनने लगेंगे।
परंतु आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। तो दर्शकों, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपकी राशि भी इन 5 राशियों में से एक है। अगर हाँ तो कमेंट्स तो जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर अवश्य कर दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अभी के लिए आप सभी से आज्ञा चाहूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।